किया था मैंने, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पति अर्जुन के साथ ऐसा हो जाएगा। उनको इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी जकड़ लेगी, सारे पैसे भी खत्म हो गए, और अगर अब कहीं से पैसे नहीं आए तो रहने के लिए ना घर होगा और ना ही खाने के लिए अन्न होगा। कोई बुरे वक्त में मदद नहीं करता, ये मैंने आज देख लिया है। पैसों के लिए और किससे पूछूं? अब बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास, अर्जुन का बॉस अपॉइंटमेंट दे दे। अर्जुन ने इतने साल अपनी कंपनी में काम किया है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। और भाभी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कुछ चाय कॉफी? नहीं शुक्रिया। कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। नहीं मैं ठीक हूँ। और बताइए अर्जुन कैसा है, उसकी तबीयत में कुछ सुधार आया कि नहीं? उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, डॉक्टर ने बोला है कि अभी और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और उस ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या गुजर रही है। अर्जुन का अचानक इस तरह से बीमार पड़ जाना और आपका पैसों का इंतजाम करना अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देता है। तकदीर में जितना लिखा है उतना तो झेलना ही पड़ेगा ना। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन के साथ ऐसा हो जाएगा। कितने खुश थे हम एक साथ, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई हमें। देखिए देखिए आप इस तरह से रोइए मत, मेरे ऑफिस में कोई रोए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज। क्या करूं सर, रोने के सिवा जिंदगी में और बचा क्या है। देखिए निराश होकर कोई काम नहीं बनता, आइए हम इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। देखो भाभी मैं आपको नीलिमा बुला सकता हूँ ना? हाँ। देखो नीलिमा, अर्जुन ने जब हमारी कंपनी ज्वाइन की थी तभी से मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और होनहार लड़का है, और अचानक जब उसके साथ ऐसा हादसा गुजरा और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलूं और आपकी मदद कर सकूं। हाँ सर, हमें आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अर्जुन हमेशा आपकी तारीफ करता है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो आपकी तारीफ किए बिना रहे। अच्छा कितने रुपयों की जरूरत है इलाज के लिए? 10 लाख रुपए। 10 लाख? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर नहीं, आदर्श, सिर्फ आदर्श। तुम मुझे आदर्श कह सकते हो। अभी हमारा रिलेशन पर्सनल फॉर्मल नहीं है, और देखो नीलिमा इस दुनिया में सारे काम गिव एंड टेक पे चलते हैं, और अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा।
सबसे बड़ी शर्त है। आदर्श तो कौन से शर्त की बात कर रहा है? ये वो भी दूसरे मत की तरह तो नहीं है जिन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है? हाँ, आखिर मदद भी तो कर रहा है ना, तो अपना फायदा भी तो देखेगा ही। अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे अपने पति को बचाना है और इलाज कराना है तो मुझे आदर्श की बात माननी होगी। बॉस ही है अर्जुन का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं मेरे पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। अर्जुन के इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मीना बात, अब देखो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी, सारे दुख खत्म कर दूंगी। अर्जुन ने ये कंपनी ज्वाइन की थी तब से मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि बहुत ही मेहनती और बहुत ही होनहार लड़का है। इसलिए जब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलूं और आपकी परेशानी दूर करूं। सर, वैसे भी हमें आपकी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। अर्जुन हमेशा आपकी तारीफ करता है, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन वो आपकी तारीफ किए बिना रहे। वैसे अर्जुन के इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत है? 10 लाख। 10 लाख, ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। क्या? अब आप यही कहेंगे ना कि आपकी एक शर्त है और मुझे माननी पड़ेगी? तो सर, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। ये आप क्या कर रही? सर, यही तो आप चाहते थे ना। बात करेंगे आप मेरी भाभी की तरह? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? आपको पता है अर्जुन इस कंपनी के लिए और मेरे लिए बहुत कुछ किया। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी की वजह से इस कंपनी ने एक मकाम हासिल किया है, और वो जब इस हालत में इस तरह जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, और मैं उसकी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? आप इस सोच भी कैसे लिए भाभी? अर्जुन एक और खुददार लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। पता है अर्जुन की ये हालत देखकर और इस कंपनी ने फैसला किया है कि हम सब मिलकर अर्जुन की मदद करेंगे, उसके इलाज का खर्चा उठाएंगे,
आपने क्या सोच लिया बाबू? बस ये कहना चाहता था कि ये सब बातें आप अर्जुन को मत बताइएगा, क्योंकि वो बहुत खुददार है, कंपनी का एक पैसा भी नहीं लेता। मैंने उसकी सैलरी बढ़ाने की बात की तो उसने मना कर दिया। बहुत खुददार है भाभी, बहुत खुददार है। और मुझे नाज है अर्जुन पे, मुझे आप पर भी नाज है भाभी, कि अपने पति की जान बचाने के लिए इज्जत की भी परवाह नहीं की। बहुत किस्मत वाला है अर्जुन तो उसको आप जैसी बीवी मिली, और बहुत किस्मत वाली हैं आप जिसको अर्जुन जैसा पति मिला। आज इस कंपनी ने ये मकाम हासिल किया। अपना और अर्जुन का ख्याल रखिए, अर्जुन को कुछ नहीं होगा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैं आप लोग से मिलने जरूर आऊंगा। नमस्ते।